हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अपने चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, जिसके अपने दो क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपने 3 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है। साइन की स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस की स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन की स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। देखो, मान पूछा है। मान का मतलब ये पूछ रहा है कि आप इस सवाल को हल करो और इसका आंसर निकालो। वो अपने से पूछा गया है, उसको मान बोलते हैं। तो देखो, करना है इसको, और ये याद रखना है कि इस प्रश्नावली में जितने भी सवाल है उन सभी के पहले देखो, ये साइन का 30 लिखा है, कोस का 45, टेन का 60 लिखा है, तो इन सभी के मान रखने हैं और उसके बाद में बोर्ड मास का नियम लगाकर उन सभी को हल कर लेना है। बस इतना ही करना है, अपना आंसर निकालना है। तो देखते हैं, पहले मान रखते हैं कि साइन की स्क्वायर 30। देखो साइन 30, पहले साइन 30 का टेबल से मान रखेंगे, तो टेबल से मान रखेंगे साइन 30 का मान होता है 1/2। यहाँ पर स्क्वायर लगी है, इसलिए इस पूरे मान के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अगर यहाँ पर क्यूब लगी होती तो यहाँ पर क्यूब लगा देते, 4 यानी कि घात 4 लगी होती तो यहाँ पर अपने 4 लगा देते, प्लस का प्लस, 2 का 2। अब देखो, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो बीच में जब कोई भी चिन्ह नहीं हो तो वहां पर गुणा का निशान होता है। अब देखो, कोस की स्क्वायर 45, यानी कोस 45 का मान लेंगे तो कोस 45 का मान होता है 1/√2। यहाँ पर स्क्वायर लगी है, इसका मतलब अपने यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। प्लस का प्लस, 3 का 3, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा का निशान है। और 10 की स्क्वायर 60 का मान होता है √3। और देखो, यहाँ पर स्क्वायर लगी है, ये अपने स्क्वायर यहाँ पर लगा। इतना हो गया, आगे इसको हल करते हैं। तो देखो, 1/2 की स्क्वायर, अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर संख्या लिखी हो और घात लगी हो, तो उसका मतलब ये है कि जितनी घात लगी है उतनी बार ब्रैकेट वाली संख्या को गुणा में लिखना होता है। ब्रैकेट वाली संख्या को जितनी घात लगी हुई, अगर घात 2 लगी है तो 2 बार गुणा में लिखेंगे, घात अगर 3 लगी है तो 3 बार, 5 लगी है तो 5 बार, 8 लगी है तो 8 बार। तो यहाँ पर 2 लगी हुई है, तो इसलिए ब्रैकेट वाली संख्या को 2 बार गुणा में लिख देते हैं, 1/2 × 1/2, प्लस का प्लस, 2 का 2, गुणा का गुणा, इसी प्रकार की। अब इसके ऊपर भी घात 2 लगी है, इसका मतलब ये ब्रैकेट वाली संख्या अपने को 2 बार गुणा में लिखनी है, तो लिख देंगे 1/√2 गुणा, फिर एक बार और लिख देंगे 1/√2, प्लस का प्लस, 3 का 3 गुणा, इसकी भी घात 2 लगी है, इसका मतलब ये ब्रैकेट वाली संख्या जो है 2 बार गुणा में लिखनी है, तो लिख देंगे √3 × √3। आगे इसको हल कर लेते हैं। अब देखो, आपको मैंने बोला था बोर्ड मास का नियम याद रखना, तो देख लेते हैं BODMAS, ये बोर्ड मास का नियम होता है। इसका मतलब B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, जिसको अपने का बोलते हैं, और इसका मतलब होता है डिवाइड यानी कि भाग, इसका मतलब होता है गुणा यानी मल्टीप्लाई, और इसका मतलब होता है जोड़ यानी एड, और इसका मतलब होता है घटाव यानी माइनस। तो ये अपने को हल करना है कि सबसे पहले अगर पेपर ब्रैकेट का निशान मिले तो उसको हल करना है, जो हमने कर चुके हैं। देखो, यहाँ पर ब्रैकेट था, यहाँ पर ब्रैकेट था, यहाँ पर ब्रैकेट था, तो वो चिन्ह अपने हल कर लिया। अब उसके बाद में पेपर का लिखा मिले या ऑफ का चिन्ह मिले तो वो हल करना है, वो इसके अंदर पेपर है नहीं तो वो अपने हल हो चुके हैं, दिए हुए हैं। उसके बाद में अपने को भाग का चिन्ह हल करना है, तो देखो इसके अंदर कहीं पर भाग का चिन्ह मिल रहे क्या, मिल रहे तो उसको हल करेंगे, नहीं मिल रहा तो आगे चलेंगे। अब देखो, उसके बाद में अपने को गुणा का निशान हल करना है, फिर अपने को जोड़कर फिर अपने, तो इसमें अपने को अब जो है गुणा का चिन्ह मिल रहा है, तो गुणा का जहां पर चिन्ह मिल रहा है उसको हल कर लेते हैं। तो देखो, 1 का यहां पर गुणा का चिन्ह मिल रहा है इनके बीच में, और इन तीनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, और इन तीनों के, देखो इन तीनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, इन तीनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, और इन दो के बीच में गुणा का चिन्ह है। तो पहले ये इन संख्याओं के बीच का गुणा का निशान टाइम यानी इसको हल करेंगे। तो देखो, 1 का 1 से गुणा करेंगे अपने पास में आ जाएगा 1, 2 का 2 से गुणा करेंगे अपने पास में आ जाएगा 4, प्लस का प्लस, 2, अब देखो 2/2 कुछ नहीं तो अपनी तरफ से 1 लगा सकते हैं। अब 2 का 1 से गुणा करेंगे आ जाएगा 2, और फिर 2 का 1 से गुणा करेंगे अपने पास में आ जाएगा 2/1, 1 का √2 से गुणा करेंगे अपने पास में आ जाएगा √2, और √2 का √2 से गुणा करेंगे, तो देखो ये रूट वाली संख्या है दोनों की दोनों, और बीच में गुणा कर सकते हैं, गुणा करना है, और संख्या रूट वाली एक जैसी है तो इनका गुणा होगा, तो इनका रूट हट जाएगा, सीधा अपन 2 लिख देंगे, यहां पर आ जाएगा 2, प्लस का प्लस। अब देखो 3, अब देखो इनका गुणा करना है, तो एक बार आप ऐसे करो ना कि 3 का ये गुणा इधर से कर लो, गलत नहीं होगा, √3 का √3 से गुणा करो,
जैसे हमने किया था कि रूट दो का रूट दो से गुणा किया तो अपने दो लिख दिया है, रूट हट जाता है। वैसे तीन रूट तीन का रूट तीन से गुणा करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा तीन, और फिर इस तीन का इस तीन से गुणा करेंगे अपने पास में आ जाएगा नौ। अब देखो ये भी एक भिन्न है, इस बटा हर रूप में संख्या है, ये भी भिन्न है लेकिन ये भिन्न नहीं है, तो इसको भिन्न बनाने के लिए इसके बटा में एक लगा। ओके आगे इसको हल करते हैं। तो देखो मैं ऊपर वाला साफ कर देता हूँ, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप वीडियो रोक करके या वीडियो दोबारा प्ले करके उतार लेना, अगर उतारने की जरूरत हो तो। आगे इसको हल करते हैं। तो देखो इन तीनों के बीच में, ये तीनों ही भिन्न है, तीनों के बीच में प्लस का निशान है, बिने हो बीच में प्लस और माइनस का निशान हो तो सीधा जोड़ घटाव नहीं करना है, अपने को लेस लेकर करना है। तो लेस है हरों का लिया जाता है, नीचे वाली संख्या जो है हर होती है, ऊपर वाली संख्या जो है अंश होती है। तो देखो चार दो एक इन तीनों का लेस लेना है, तो देखो लेस का मतलब है इकट्ठा, चार दो एक लेस का मतलब है इकट्ठा गुणन करना, दो का जाएगा दो बार, इस पर जाएगा एक बार और इस पर जाएगा एक बार, फिर दो का जाएगा एक एक और एक, इधर जो संख्या तीन को गुणा कर लेते हैं तो दो का दो से गुणा किया चार, यानी लैस अपने पास में आ गया चार, जो एक बड़ी लाइन डालते उसके नीचे लिखते हैं। अब देखो इस चार के ऊपर इस चार का बार डालेंगे तो जाएगा एक बार, और एक का एक से गुणा करेंगे तो आ जाएगा एक, प्लस का प्लस, इस चार पर इस दो का बार डालेंगे तो जाएगा दो बार, और फिर उस दो का इस दो से गुणा करेंगे तो दो दो सॉरी चार, फिर प्लस का प्लस, फिर इस चार के ऊपर इस एक का भाग डालेंगे तो जाएगा चार बार, और चार का नौ से गुणा करेंगे तो चार दिन में छत्तीस। आगे स्कोर लग लेते हैं। तो देखो अब जोड़ना है, लैसे हो गया ये बाबर प्रक्रिया होगी, अब जोड़ना है अपने को तो जोड़ का चिन्ह अलग करना है, तो जोड़ का ये अलग कर लेते हैं, तो छत्तीस और चार चालीस, और चालीस में जोड़ेंगे इकतालीस, इकतालीस बटा में आ जाएगा चार, ये अपना आ गया मान पूछा गया था यानी आंसर निकालना था, तो ये आ गया अपना आंसर। ओके फ्रेंड्स अगर आपको अच्छे से समझ में आया, अगर कैसे समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर दोबारा पूछ सकते हैं, अगर आपको समझ में अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड के साथ में